हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह से समझदार व्यक्ति अपने तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदार से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जगे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्ख के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतनी ही लंबी होती है। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना या न यही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरता है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उसका खुद का ही बुरा होता है। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते, आप अपने गुस्से के द्वारा ही दंडित होते हैं। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उसकी गलतियों को, इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, आई हुई घंटी को दबा दें। धन्यवाद।